क्वेश्चन है रोल एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल्स एंड नेशनल लाइफ। इस वीडियो में सिर्फ हम इंडिविजुअल की लाइफ में एजुकेशन का रोल एंड फंक्शन करेंगे, नेशनल लाइफ में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है, आप एक कोटेशन से कर सकते हो। मैंने तीन कोटेशन आपके लिए रखी है, इनमें से आप एक चूज करके एग्जाम में रख सकते हो। फर्स्ट है, एजुकेशन इज मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। बहुत इजी रखी है ये कोटेशन, आपकी आगे किसी ना किसी क्वेश्चन या इस क्वेश्चन को उत्तर देने के लिए भी काम आएगी। तो मूवमेंट डार्कनेस टू लाइट याद रख सकते हो, ब्लू जहां ब्लूम लिख के एम, मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। दूसरा, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक गोल्डन डोर, अंडरलाइन मेन कर रहा हूं। अगर पूरी कोटेशन याद नहीं होती तो आप एक या दो वर्ड या फ्रेज को लेके कोटेशन लिख सकते हो। गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम, जॉर्ज, ये क्या किया मैंने, जॉर्ज, इसलिए सिर्फ इतना याद रखा। जरूरी नहीं कि आपने सारा नाम देना है, मैंने इंफॉर्मेशन के लिए देना है। आपने जॉर्ज के जी से यहां गोल्डन को अटैच कर लिया, कनेक्ट कर लिया, जैसे यहां बी को बी के एम को लास्ट को यहां पर कनेक्ट किया था। तीसरा है, एजुकेशन इज नॉट फिलिंग द पेल बट द लाइटिंग ऑफ फायर, छोटी है तो इसमें से कोई आप उठा के डेफिनेशन के कंटेंट के साथ जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे जिया जोड़ा, यहां पेल है, पेल को मैंने बना लिया पीला, है ना, पीला बटर, ऐसे ही मैंने जोड़ लिया कि बटलर की डेफिनेशन पेल पर है। हिंदी में ये आपको और भी आसान कर देगी। फर्स्ट कोटेशन है, शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, ब्लूम, शिक्षा स्वतंत्रता से स्वर्णम द्वार को खोलने की कुंजी है, जॉर्ज, शिक्षा बाल्टी, यहां बाल्टी है ना, तो बाल्टी में बटर पड़ा हुआ, ये बटर है ना, जोड़ना है बस अंदर वो याद रखने के लिए। बाल्टी को भरना नहीं है बल्कि आग जलाना है, आग वो नहीं जो साड़ देती है, आग वो जो लाइट देती है, प्रकाश जुगनू जैसे देता है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो तीन लाइन लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, वो कोटेशन एक देनी है, आपने चूज करनी है। एजुकेशन इज द लाइक ए गाइडिंग स्टार ऑफ अवर जर्नी थ्रू लाइफ, ये मेरा पहला फ्रेज हो गया जो इंट्रोडक्शन में जरूर आना चाहिए कि एजुकेशन गाइडिंग स्टार है। दूसरा, इट हेल्प्स इन लर्न ग्रो एंड बिकम बेटर, दूसरा वर्ड मेरे लिए है कि बेटर करती है, बेटर वर्जन ऑफ अवर सेल्फ, हमें बेहतर करेगी। फ्रॉम रीडिंग टू राइटिंग, सिंपल है कि रीडिंग टू राइटिंग से एक बेटर और बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनाने में मदद करती है। तीन वाक्यों में मैंने इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दी, लेकिन ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, आगे चल के डेफिनेशन की बात करेंगे। हिंदी में है, शिक्षा हमारे जीवन की यात्रा का मार्गदर्शक सितारे की तरह है और ये सीखने, पढ़ने और खुद को बेहतर संस्करण बनने में मदद करता है। पढ़ने लिखने से शुरू होकर ये एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमारी हेल्प करती है। एक बात याद रखनी है यहां, क्योंकि पढ़ने लिखने की बात भी आई है, जब भी एजुकेशन का वर्ड आता है ना, तो आपने उसको सिर्फ स्कूलिंग के साथ जोड़ के नहीं देखना। स्कूलिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट है जिसको हम फॉर्मल बोल सकते हैं, इसमें इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, सभी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सभी एक्सपीरियंसेस शामिल है। तो नैरो मीनिंग में आप स्कूलिंग ले सकते हो, लेकिन जब टोटल की ब्रॉडर बात होती है, ये नहीं है नैरो का कोई अर्थ नहीं है, है। लेकिन इसमें ऑल लाइफ एक्सपीरियंस, सभी एजेंसीज, फैमिली से लेके सभी एजेंसीज के एक्सपीरियंस, जो आपको अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने में, आपकी भी, सोशल की भी और नेशन की भी, है ना, लाइफ, ह्यूमन लाइफ के गोल को अचीव करने में हेल्प करती है, वो एजुकेशन है। इसके बाद डेफिनेशन देखिए, मैंने चार डेफिनेशन चुनी है, आसान सी, आप उसमें से कोई दो तीन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दे सकते हो। ये बेस्ट डेफिनेशन है, वो है जो इंडिविजुअल की लाइफ में एजुकेशन का रोल को महत्वपूर्ण बताती है। तो फर्स्ट है हमारे लिए, एजुकेशन इज द पासपोर्ट, यहां पासपोर्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, पासपोर्ट ऑफ द फ्यूचर फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट टुडे। अब पासपोर्ट है ना, फॉर टुमारो फ्यूचर, और अब इसमें सिर्फ आप पासपोर्ट ऑफ फ्यूचर इतना भी याद रख सकते हो ना, मेलकॉम आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, मेलकॉम टेलीकॉम वो एयरपोर्ट का नाम है, वहां पासपोर्ट चाहिए जो हमें फ्यूचर में ले जाएगा, ऐसे एसोसिएट कर सकते हो, कोई और ढंग भी आप यूज कर सकते हो। शिक्षा भविष्य के का पासपोर्ट है, इतनी कोटेशन भी दे सकते हो, क्योंकि ये कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं,
एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन है नेल्सन मंडेला। मैं कैसे याद रखता हूं, ये रखा एम और ये रखा वेपन, दो बातें याद रखी, ये एम है ना, ये डब्ल्यू वेपन, उनको उल्टा कर दिया। तो पावरफुल वेपन है, शक्तिशाली हथियार जिसका उपयोग दुनिया को बदलने के लिए किया जा सकता है, और उन्होंने किया भी। एजुकेशन इज नॉट प्रेपरेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होगी आगे जाके भी। एजुकेशन नॉट प्रेपरेशन फॉर लाइफ है ना, कई जगह ये पॉइंट बने हुए हैं कि एजुकेशन इज प्रेपरेशन फॉर लाइफ। तो यहाँ इस पर हम थोड़ा क्रिटिकली एवेल्युएट भी करेंगे कि ये पॉइंट बनता है, ओवरलैप होता है, ये मैं बताता हूं आगे चल के। एजुकेशन इज लाइफ, दिस इज द पॉइंट, एजुकेशन इज लाइफ, इतना बेशक याद रख लेना। एजुकेशन इज लाइफ इट सेल्फ, ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। जॉन डीवी, याद रखने का तरीका, अरे बीवी लाइफ है, अरे अरे बीवी नहीं, डीवी लाइफ है, डीवी ने कहा एजुकेशन लाइफ है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ये अमेरिकन प्रैग्मेटिस्ट थे, इनकी फिलॉसफी सिलेबस में आएगी, डिटेल में करनी पड़ेगी। प्रोग्रेसिविज्म ये के कंट्रीब्यूटर हैं और टीईटी में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बड़ी डेफिनेशन है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड थिंक क्रिटिकली, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर। अगर कुछ नहीं याद रखना तो ये इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, वो कॉग्निटिव दिमाग की बात आ गई, करेक्टर आपकी वैल्यूज की बात आ गई है ना, दिल की बात आ गई, एक्शन की बात आ गई। दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, मार्टिन लूथर। तो अगर आप इतना याद रखते हो इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, तो प्लस के एल को से लूथर लिख लीजिए, लूथर के साथ मार्टिन लगा लीजिए है ना। तो शिक्षा का कार्य व्यक्ति को गहनता से सोचना और आलोचनात्मक ढंग से सोचने सिखाना है, बुद्धिमत्ता प्लस चरित्र, यही सच्ची शिक्षा का लक्ष्य है। अब हमारा मेन क्वेश्चन शुरू हो गया, हेडिंग दोगे आप बड़ा बड़ा करके, रोल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंडिविजुअल्स ह्यूमंस लाइफ विद ब्रीफ एग्जाम्पल। कई बार एग्जाम्पल के साथ पूछा जाता है, हम थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल करेंगे, अदरवाइज लंबा हो जाता है क्वेश्चन। आप कई जने पूछते हो कितना एक्सप्लेन करना है, आप पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो मार्क्स ज्यादा आते हैं, तो नेचुरली है उससे एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। एक डिफरेंट वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपने कौन सा क्वेश्चन, इसी के नीचे उसका लिंक दे दूंगा, छोटा सा वीडियो होगा, तो कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं इनको ये बता दूं, मैंने मेरे पॉइंट्स लार्ज नंबर होते हैं, लेकिन आपको हमने समझना भी है साथ में गड़बड़ क्या है और सही क्या है, कहां क्या हो रहा है, इसको समझना है। उसके लिए क्या है कि पॉइंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक ओवरलैप्ड जिसको आप रिपीटेड है ना, आइडियाज रिपीटेड है, फॉर एग्जांपल ये इतना आइडिया है और ये आधा आइडिया ये आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक एम होगा, वैल्यू इनकल्केशन एम होगा, मैन मेकिंग प्रोसेस, इनमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, तो आप तीन की बजाय एक पॉइंट भी अपने एग्जाम में लिख सकते हो, तीनों भी लिख सकते हो। ओपोजिट भी होंगे, एक तो ओवरलैप्ड है, सिमिलैरिटी ज्यादा है, और ओपोजिट विरोधी भी हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एज लाइफ है कि एजुकेशन एज प्रेपरेशन ऑफ लाइफ है, मैंने दोनों पॉइंट दिए हैं लेकिन दो एक विरोधी हैं। एजुकेशन एज लाइफ जो कहते हैं वो प्रेजेंट पर जोर देते हैं कि प्रेजेंट लाइफ एक्सपीरियंस उसमें रहना है, प्रेपरेशन फॉर लाइफ ये फ्यूचर की बात करते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज एक्विजिशन, ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान किसका अर्जित करना, ये हम पहले भी समझ आए हैं कि स्कूलिंग और कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग लेने हैं। नॉलेज, नॉलेज क्या है, कंसेप्ट प्रिंसिपल्स थ्योरी, किसके, लाइफ के। तो पहला उत्तर ये होगा कि लाइफ की नॉलेज लेनी है। दूसरा उत्तर क्या होगा कि ह्यूमन बींग ने लाइफ को समझने के लिए, लाइफ तो टोटल होल थी ना, गोल थी ना, इसको हमने टुकड़ों में बांट लिया, एनालिटिकल अप्रोच। तो एक टुकड़े को साइंस कह दिया, दूसरे टुकड़े को सोशल साइंस कह दिया, तीसरे को लैंग्वेज मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए। तो आप एग्जाम्पल में ये कहोगे कि सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट प्रिंसिपल थ्योरीज हम पढ़ते हैं, ये एजुकेशन के नैरो मीनिंग में शामिल है। यहाँ आप अपने सब्जेक्ट की बात और उदाहरण दे सकते हो, यहाँ मैंने मैथ की एग्जांपल दी है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। अच्छा ये बता दूं कि इन जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखा है, ऑर्डर बाद में लर्निंग में हेल्प करेंगे। लर्निंग की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नीचे लिंक दिया गया होगा, उसमें डिफरेंट दो या तीन स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा, सिर्फ यही स्ट्रेटजी नहीं होगी, तो उनको लर्न करना आपके लिए आसान रहेगा। ये बात बता दूं कि ये जो पहले चार पॉइंट है ये करिकुलम के कॉम्पोनेंट्स भी हैं, ये नैरो से शुरू होकर हम एक तरह से वाइडर मीनिंग की तरफ भी जा रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट में क्या है, एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर एवरीडे लाइफ।
इसकी कोई भी एग्जांपल दे दो आप, ये वोकेशनल ट्रेनिंग से कौन सी स्किल डेवलप होगी, कारपेंट्री, प्लंबिंग, है ना, मैथ्स में जी, ये जो एग्जांपल यहाँ हमने दी है, पीछे जो बात करके आए हैं उसी को, पहले चार पॉइंट्स को इसी के साथ एलेबोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो साइंस की क्या स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, एनालिसिस करना है, ये एग्जांपल दे सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो साइंस का लिख के। अगर आप सोशल साइंस के हो तो सोशल स्किल्स की डेवलपमेंट है, लैंग्वेज के हो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एग्जांपल है, मैथ्स की रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एजुकेशन स्किल्स डेवलप करती है थ्रू सब्जेक्ट्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड लाइफ। पॉइंट क्या है, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड हमारे स्पेसिफिक रिएक्शन है जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या पर्सन या एक्टिविटी के प्रति होंगे, वो ये दो तरह के ही हो सकते हैं, एक इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, फेवरेबल कह सकते हैं, दूसरा नेगेटिव। तो ये डिग्री होती है, कितनी डिग्री है आपकी। नेचुरली अब एजुकेशन में मेन क्या होगा कि ये जो नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, और पॉजिटिविटी कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, सबसे पहले सेल्फ के प्रति है पॉजिटिव एटीट्यूड, गिल्ट फीलिंग नहीं रखनी, सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखना है, मैं अच्छा हूँ, प्यारा हूँ, आप अच्छे हो, प्यारे हो, ये समझना है। और दूसरा, लाइफ जैसी भी है, जितनी मर्जी पेन है उसमें भी पॉजिटिविटी देखनी है। मैं काउंसलर हूं, मेरा सारा जोर यही लगा रहता है कि सेल्फ और लाइफ के प्रति आपके एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। अगर वो कुछ नहीं बताना, डायग्राम नहीं बनाना, तो आप एक एग्जांपल दे सकते हो हेलन केलर की, आपने फिल्म भी शायद इनकी देखी होगी, ऑप्टिमिज्म। अगर नहीं बताना तो ऑप्टिमिज्म की बात करानी है, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, यहां तक भी लिख सकते हो, नथिंग कैन बी डन विदाउट होप एंड कॉन्फिडेंस। तो एजुकेशन का काम पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, होप डेवलप करना है। दूसरी डेफिनेशन एक और है, ये कलर जहां भी होगा वहां वो डेफिनेशन या कोटेशन है, आप कोटेशन ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है सब ऐड करना, मैंने मटेरियल प्रोवाइड करना था। अच्छा, एटीट्यूड इज द लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस, चर्चिल, रवैया एक छोटी सी चीज है पर बड़ा अंतर लाती। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू इनकल्केशन। अच्छा, वैल्यू इनकल्केशन की एग्जाम्पल हमें नॉर्मल है, ऑनेस्टी, एम्पथी, फेयरनेस, ये याद है ना, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, इंडिया में से दे सकते हो। लेकिन एजुकेशन ने क्या करना है, इसको इंटरनलाइज करना है। इंटरनलाइज मीन के बंदे की पर्सनैलिटी का ये पार्ट बन गया है, अब ऑनेस्टी के बिना ये रह नहीं सकता, इसकी आदत ही इतनी अंदर तक घुस गई है कि पार्ट बन गया है। शेजर की स्विजर की आप कोटेशन दे सकते हो, एथिक्स इज द एक्टिविटी दैट मैन डायरेक्टेड टू सिक्योर इनर परफेक्शन। अगर सारी कोटेशन याद नहीं रहती तो इतना आप दे सकते हो, ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी। हिंदी में आप वही ईमानदारी, सहानुभूति, निष्पक्षता, मूल्यों का आंतरिक उसको बनाना है इनको। स्विजर के अनुसार नैतिकता मनुष्य का वह गतिविधि है जो उसके स्वयं के व्यक्तित्व को की आंतरिक पूर्णता, यहां पर इसको अंडरलाइन बस कर लेना है, पूर्णता की को सुरक्षित करने के लिए निर्देशित होती है। अच्छा, ये तीन पॉइंट ओवरलैप्ड होंगे, पहला है वैल्यू इनकल्केशन, दूसरा इसके साथ है कैरेक्टर डेवलपमेंट, तीसरा है मैन मेकिंग, है ना, आप तीनों में से एक भी दे सकते हो। आप करेक्टर कैसे डेवलप होगा, बिना वैल्यूज के हो जाएगा, लेकिन अलग अलग भी कई देते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने एक्सप्लेन इनको डिफरेंटली किया है, हाँ आप नेल्सन मंडेला की कोटेशन ऐड कर सकते हो अगर डिफरेंट देना है। एजुकेशन इज द ग्रेट इंजन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, एक इंजन आ गया है ना, है मंडेला, डेला का इंजन और पर्सनल डेवलपमेंट, ये हो गया। दूसरा करेक्टर डेवलपमेंट की, महात्मा गांधी मेरे ख्याल में भगवत गीता में भी ऐसा ही है कि देखिए क्या होता है, ये प्रोसेस है सच में, ये साइकोलॉजिकली भी और सोशियोलॉजिकली भी प्रूव्ड है। बिलीफ्स जो आपके हैं वर्ड्स बन जाते हैं, वर्ड्स जो आपके हैं थॉट्स, विचार बन जाते हैं, विचार आपके एक्शंस बन जाते हैं, कर्म बन जाते हैं, कर्म जो है आदतें बन जाती हैं, आदतें आपकी वैल्यूज बन जाती हैं, वैल्यूज आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करती है। तो दीज आर स्टेप्स, इसको आप एग्जाम में भी बना सकते हो। ये वर्ड्स हिंदी में लिख लेंगे, आगे कोटेशन दिखा देता हूं, ऐसे एरो दे सकते हैं कि बिलीफ बनाते हैं वर्ड्स को, वर्ड्स विचारों थॉट्स को, थॉट्स एक्शन को, एक्शंस हैबिट्स को, हैबिट्स वैल्यूज को, और वैल्यूज
डेस्टिनी, किस्मत आपकी बनाते हैं, आप खुद बना रहे हो। इट मीन्स आपके बिलीव्स अच्छे चाहिए। जो अच्छा बनाना किसका काम होगा? एजुकेशन का। ये सेम कोटेशन है गांधी जी की, आप दे सकते हो। और इसके अलावा मैन मेकिंग प्रोसेस, इसको क्यों रखा है? क्योंकि TET या UGC नेट में बड़ा ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है मैन मेकिंग पर। किसने जोर दिया? विवेकानंद जी ने। मैन मेकिंग से मीनिंग क्या है? मैन मेकिंग मीन हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू मोरालिटी, ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, करेक्टर एंड हेल्थ। मनुष्य का निर्माण क्या है? उसकी नैतिकता, मानवता, ईमानदारी, चरित्र, स्वास्थ्य सभी का। मैं कहता कि ह्यूमन बॉडी से ह्यूमैनिटी को, इंसान की बॉडी है ये, तो ये इसकी हरकतें जब इंसान जैसी हो जाएगी तब ये एजुकेटेड होगा। एजुकेशन का रोल ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का पुनर्निर्माण। तो इसकी डेफिनेशन जॉन डेवी, ये मस्ट है, आपको जरूर देनी चाहिए। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, शिक्षा अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। अच्छा, पुनर्निर्माण से क्या मतलब है, इसको समझ लेना चाहिए। इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर कुछ नहीं लिख सकते, एक्टिव पार्टिसिपेशन, लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। इंडियन क्लासरूम की तरह नहीं, ऐसे चुप करके बैठा है। प्रोसेस वो रिफ्लेक्ट करेगा जो भी कर रहा है, एनालाइज करेगा, है ना। तो जो भी एक्सपीरियंस, जहां इंफॉर्मेशन, इवन टेक्स्ट बुक उसको प्रोवाइड की जाती है, उस पर उसको एनालाइज करता है और नए मीनिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग उसमें से बनाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लर्नर है और ये मान लीजिए प्लांट्स का एक्सपीरियंस इनको दिया गया। ये 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 ये, ये प्लांट बन गए छोटे छोटे, ओके, ये जड़ें हो गई उसकी, इसकी इसकी इसकी, तो ये इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, इनको देखेंगे, ये एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के बाद रिफ्लेक्ट करेंगे, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, रिफ्लेक्ट, है ना। रिफ्लेक्ट मीन डीप थिंकिंग, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, वो बनाने के बाद ये न्यू अंडरस्टैंडिंग, न्यू पर जोर है। रिकंस्ट्रक्शन मीन न्यू अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट एक्सपीरियंस, के प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे बनता है, उनकी रूट्स, लीव्स, उसके बारे में न्यू अंडरस्टैंडिंग जो होती है। एग्जाम्पल यहां समझने के लिए है, ना कि एग्जाम में इतनी लंबी एग्जाम्पल आप दे सकोगे। आपने सिर्फ ये कहना है कि फॉर एग्जाम्पल नोइंग न्यू थिंग अबाउट प्लांट्स, छोटा सा आपने देना है। इसको तो बेस्ट डेफिनेशन में रखा जा सकता है, एजुकेशन एज लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट प्रेपरेशन ऑफ लाइफ। ये ही जो आइडिया है जॉन डेवी की डेफिनेशन में और कोटेशन में रिपीट होगा, क्या है जॉन डेवी? एजुकेशन इज नॉट प्रेपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ये सेंट्रल आइडिया जरूर रिपीट करना है। नेक्स्ट सेकेंड कोटेशन है, आई बिलीव दैट एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ लिविंग, दूसरा, एंड नॉट प्रेपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। इट मीन्स ये प्रेजेंट पर जोर देते हैं। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, कंटिन्यूअस, कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। इनफॉर्मल भी है लर्निंग, और जो जिसमें स्टूडेंट के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस छुपे होते हैं वो एजुकेशन है। इट इज नॉट सेपरेट, नॉट फ्यूचर बट प्रेजेंट। हिंदी में जॉन डेवी, शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है। मेरा मानना है कि शिक्षा जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, ना कि भविष्य में जीने की एक तैयारी। तो ये वास्तविक जीवन के अनुभव से आजीविक, निरंतर, सचेतन, औपचारिक, अचेतन, अनौपचारिक सीखना है। ये अलग नहीं है भविष्य से, वर्तमान है। यहां देख सकते हैं कि जो फॉर्मल सिस्टम है वो कॉन्शियस सिस्टम है, उसका पर्टिकुलर टाइम है लर्निंग का, लेकिन ये इसको, ये टोटल जो है बोर्ड है, ये लाइफ है, इससे वो कहते हैं कि सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये लाइफ वाले एक्सपीरियंस एग्जैक्ट स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दिए जाने चाहिए। लीडरशिप स्किल, नेतृत्व कौशल, जो स्कूल एक्सपीरियंस देता है किसका, टीम वर्क का, डिसीजन मेकिंग का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। अकॉर्डिंग टू वारेन बेनिस, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू अ रियलिटी। तो ये पॉइंट जब नेशनल लाइफ में एजुकेशन का रोल करेंगे तब भी रिपीट हो सकता है, लेकिन वहां लीडरशिप बड़ी है, यहाँ ग्रुप में, छोटे यूनिट में लीडरशिप की बात है। हिंदी में भी है, नेतृत्व दृष्टि को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है, अगर डेफिनेशन आप देना चाहो तो। क्रिटिकल थिंकिंग
क्रिटिकल थिंकिंग कुछ नहीं है, दो वर्ड याद रखने हैं, इवेलुएट। आप किसी भी इंफॉर्मेशन को इवेलुएट कर लेते हो। इवेलुएट कैसे होते हैं, क्या आप उस इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन करते हो, एनालाइज करते हो, उसको एविडेंस से कंपेयर करते हो, रियल लाइफ से कंपेयर करते हो, जहां बिना सोचे समय किसी टेक्स्ट बुक का टीचर या साथी की बात को एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर नहीं करते, एनालाइज करते हो, देन यू आर क्रिटिकल थिंकिंग। यही एजुकेशन का एक फंक्शन है, आपको क्रिटिकल थिंकर बनाना। इसकी कुछ एक उदाहरणें ये भी दी गई हैं। कोटेशन है, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली एंड थिंक क्रिटिकली। इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर, दैट इज द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन, मार्टिन लूथर। इन ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा रिपीट हो सकती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव है। इस कॉम्प्रिहेंसिव में क्रिटिकल थिंकिंग की बात की गई है। एडजस्टेबिलिटी, एजुकेशन एनेबल्स इंडिविजुअल टू यूज देयर रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी टू अडैप्ट एंड थ्राइव इन देयर एनवायरमेंट। एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, आपके और एनवायरमेंट के बीच के इंटरेक्शन से पैदा हुई कोई चीज है। वो इंटरेक्शन से पैदा हुई चीज अगर पेन है तो आप एडजस्टेड नहीं हो, अगर हैप्पीनेस है तो आप एडजस्टेड हो। वो कैसे होता है, अगर एनवायरनमेंट और आपके बीच में ऐसे बैलेंस है जैसे तुला का होता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है, मतलब एनवायरनमेंट आपकी नीड को पूरा नहीं करता, तो आपको पेन मिलती है। अब एडजस्टमेंट के लिए, नीड को पूरा करने के लिए सिर्फ दो बेस्ट ऑप्शन है। आइदर यू चेंज यूर सेल्फ, अपने आप को चेंज कर लो, आइदर और यू चेंज द एनवायरमेंट। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए। अगर जहां तो वक्त के सांचे में, एनवायरमेंट के सांचे में ढल जाओ, जहां एनवायरमेंट को चेंज कर दो। तो एनवायरमेंट को चेंज करने वाले राजा राम मोहन राय की तरह होते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर है, विवेकानंद की तरह होते हैं, जो समाज को चेंज करते हैं। मैं रहा ते नहीं टुरदा, मैं टुरदा हां ते राह बन दे, जुगां तक काफले आउन दे, इस सच दे गवाह बन दे। सो एजुकेशन ने वो स्किल्स सिखानी है जिससे आप अपने आप को भी और थोड़ा एनवायरमेंट को भी चेंज कर सको। ब्लूम के अनुसार एजुकेशन इज द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास कल्पना चावला है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पॉइंट होलिस्टिक डेवलपमेंट या ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ भी मिल सकता है। इसमें कुछ नहीं रिपीट करना, आपने सिर्फ तीन चार शब्द रिपीट करने हैं। वो है कि आप फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, सोशल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, ऑल डायमेंशंस में आप डेवलप हो रहे हो, लर्न कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में कल्पना चावला को, जहाँ जो बड़े बड़े विवेकानंद जी हैं, अरबिंदो घोष हैं, गुरु नानक देव जी हैं, उनको के हर डायमेंशन डेवलप थी है, ऐसे आप देख सकते हो। एग्जांपल ये देख सकते हो, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू टीच वन टू थिंक इंटेंसिवली, ये बात हो चुकी है, पहले रिपीट कर चुके हैं। मार्टिन लूथर की कोटेशन है, अगर रिपीट करना चाहो एक बार ही रिपीट करना। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर, ये बिल्कुल पॉइंट उसके उल्ट है, जो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ जॉन डीवी की थी, है ना। इसमें जो है, जब प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर है, इसमें किसकी बात आनी है कि आप ऐसा ज्ञान और कौशल अर्जित करो जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार मिल जाए, आपको आजीविका मिल जाए। तो ये कैरियर डेवलपमेंट से भी मैच करता है। कोटेशन बेस्ट है, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर इट टुडे, मेलकॉम एक्स। इसकी उदाहरण ये है कि कंप्यूटर विज्ञान में रुचि रखने वाला छात्र जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके कंप्यूटर की इंडस्ट्री में जो है अपनी जॉब ले लेता है, तो उसका फ्यूचर सिक्योर होता है। डेवलपमेंट ऑफ इन बॉर्न पोटेंशियलिटीज, इस पॉइंट का संबंध सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है, हो चुका है, जो होना है, उससे भी संबंधित है। एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है, जो आपके अंदर पोटेंशियलिटीज है उनको एबिलिटीज बना सकना। अगर आपके अंदर पोटेंशियल थी कि आप सिक्सर फोर लगा सको, विराट कोहली बन सको, तो विराट कोहली आपको बना देना। अमिताभ बच्चन बनने की काबिलियत है तो आपको अमिताभ बच्चन, लेकिन आपके अंदर जो है उसमें आपने बनना है, ये उनकी एग्जांपल है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बच्चे के पास म्यूजिक का एप्टीट्यूड है, तो एजुकेशन उसके म्यूजिकल इंटेलिजेंस को डेवलप करती है थ्रू प्रैक्टिस, तो वो म्यूजिशियन बन सकता है।
कोटेशन अगर देनी है हिब्बन की, एजुकेशन इज द एबिलिटी टू मीट लाइफ्स सिचुएशन, हिब्बन शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। इस कोटेशन को एडजस्टमेंट में भी लग सकते हो। पेस्टोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे डीवी की थी, एजुकेशन इज अ नेचुरल हार्मोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इननेट पावर। अब ये पिछले से मैच कर रही है, ये क्यों टीईटी में बड़ा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। शिक्षा मनुष्य के जन्म जात शक्तियों का प्रकृतिक, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड सामंजस्य पूर्ण और प्रगतिशील विकास है। होलिस्टिक वर्ड यूज कीजिए जहां ऑलराउंड डेवलपमेंट, ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया है क्योंकि ये रेपिटेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से मैच करती है। इसको भी फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल स्पिरिचुअल आस्पेक्ट पर लर्नर को डेवलप करने की बात की जाती है कि सभी डायमेंशन पर लर्नर को डेवलप करना है, एक से डायमेंशन पर नहीं। तो इनमें से एक जो है आप ऑप्ट कर सकते हो पॉइंट। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल मुझे स्वामी विवेकानंद लगे क्योंकि नेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। आप देखना वो कितनी फिजिकल एक्सरसाइज भी करते थे, स्पिरिचुअली मेडिटेशन भी करते थे। दैट इज व्हाई ऑलराउंड डेवलपमेंट, जो तुम सोचते हो वो बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। कीट्स की एजुकेशन की कोटेशन या डेफिनेशन है, एजुकेशन इज नॉट फिलिंग द पेल बट द लाइटनिंग ऑफ ए फायर। है शिक्षा बाल्टी भरना नहीं है, शुरू में भी ये की थी, अगर वहां रिपीट कर दिया तो यहाँ पर नहीं रिपीट करोगे बल्कि आग जलाना है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट मीन्स कि शिक्षा का रोल है कि आप में ऐसा प्यार पैदा कर दे लर्निंग के प्रति कि सारी लाइफ आप लर्न करते रहो। जो नॉन फॉर्मल डिस्टेंस ओपन लर्निंग है वो इसीलिए है, इसी एम को अचीव करने के लिए कि आप सारी उम्र अगर सीखना चाहो तो फॉर्मली भी सीख सकते हो। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा जो मेरी पब्लिश करते हैं SG पब्लिशर सुनील गुप्ता, उनके पापा जो हैं मेरे ख्याल 80 के एज के करीब हैं और इस उम्र में वो उर्दू सीख रहे हैं। उन्होंने 10th क्लास में पंजाब में उर्दू में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और इग्नो से अब वो MA उर्दू कर रहे हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में कुछ नहीं है, जो समाज के सोशल के नॉर्म है, वैल्यू हैं और जो स्किल्स हैं समाज की उनको लर्न करना है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटी देती है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, कक्षा में चर्चा और समूह परियोजनाएं छात्र को टीम वर्क और संचार कौशल विकसित करने में मदद करती हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यहाँ पर बिहेवियरिज्म की, पावलोव की, स्किनर की बात की जा सकती है, जो रिवार्ड और पनिशमेंट से आपके बिहेवियर को, बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, एग्जांपल उसकी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का इम्पल्सिव बिहेवियर है, बिना सोचे समझे वो एक्ट करता है, उसको धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन बनाया जाता है। दो शब्द काफ़ी हैं। इसकी स्पेंसर की जो एक कोटेशन है, द ग्रेट एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट नॉलेज बट एक्शन, एक्शन इज बिहेवियर। तो बिहेवियर में चेंज लाते हैं। जब टीचर क्लास में आता है तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियरल चेंज। हिंदी में है अच्छा, मेरे को अगर डेफिनेशन आप पूछोगे तो कि एजुकेशन क्या होती है, तो मैं ये शब्द ही यूज करूंगा, बेटर। आप अगर बेटर होते हो तो वो एजुकेशन है, जिससे आप बेटर नहीं होते वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ओपन डोर टू द अपॉर्चुनिटी दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेल्सन मंडेला की जो फेमस कोटेशन है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। कैसे याद किया था, M मंडेला, इनको W कर देना है वेपन, मतलब के सोशल चेंज को, वर्ड को चेंज करने के लिए, सोशल चेंज के लिए एजुकेशन एक वेपन है। समाज को भी बेटर करे, इंडिविजुअल को भी बेटर करे, ये बात करनी है। नाम में इतना लिखा नहीं जाता, आप सिर्फ पहली एक दो लाइंस एग्जाम में लिख सकते हो, अगर जरूरत हो तो ज्यादा भी ले सकते हो। बेटर सिटीजन्स, वैसे पॉइंट होता है गुड सिटीजन, मैं ऐसे नहीं कहता, सभी सिटीजन हैं। तो एजुकेशन में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके, जहाँ इस लाइफ के बाहर भी, आप जैसे भी सिटीजन हो, आप ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितना, राइट्स को कितना एंजॉय करते हो, जितना करते हो उससे बेटर हो सको, ये एजुकेशन का फंक्शन है। जेफरसन की एग्जांपल है, जो कोटेशन है, एन एजुकेटेड सिटीजन इज वाइटल रिक्विजिट ऑफ अवर सर्वाइवल एज ए फ्री पीपल। एक स्वतंत्र लोगों के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए एक शिक्षित नागरिक एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है जो एजुकेशन पूरी करती है।
एक शब्द में इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों को एंजॉय करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अपना आप जो बन सकते हो, आप में पोटेंशियल है वो बन जाना। एग्जांपल पीछे दी है विराट कोहली की, अमिताभ बच्चन की, ऐसे ही किसी भी अपने हीरो की जो ऑलराउंड डेवलप्ड है उसकी एग्जांपल आप देखते हो तो वो बन चुके हैं। एजुकेशन ऐसे बनाना है। मैस्लो की हायरार्की को इसलिए कोट करना जरूरी है, व्हाट ए मैन कैन बी ही मस्ट बी। हाँ, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। विवेकानंद जी भी कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये एक्सटर्नल डेफिनेशन है, ये इंटरनल स्पिरिचुअल डेफिनेशन है कि आप सोल हो, आप सोल को रियलाइज कर लो। ये है सेल्फ को एक्चुअलाइज कर लो। तो दो मैंने ये दी है, इसका मतलब है स्पिरिचुअल और इसका मतलब है जो मटीरियलिस्टिक आप अचीव मैक्सिमम कर सकते हो एबिलिटीज के रूप में। दोनों कोटेशन यहाँ बेस्ट है और इसको कोट जरूर करना चाहिए। मैस्लो की हायरार्की है जो बायोलॉजिकल नीड से चलती है, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, हाईएस्ट नीड जो अचीवमेंट क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आप मेरे चैनल का मोटो भी देखो तो वो ऐसे ही स्टेयर्स है और यहां पर एक शख्स चढ़ चुका है पूरी हिम्मत और कोशिश स्ट्रगल करके। दैट इज व्हाई मैंने लर्निंग को लर्निंग के लिए नहीं रखा, लर्निंग को लर्न टू एक्चुअलाइज। दैट इज व्हाई चैनल का नाम इसी से रखा है, क्योंकि गोल ऑफ एजुकेशन ये है। तो जो एक्चुअलाइज कर चुके हैं अपने आप को, ये मिसाइल मैन बन सकते थे, बन गए, राष्ट्रपति बन सकते थे, बन गए। इन्होंने इतनी सिंपल लाइफ जो एक मॉडल के रूप में गुजारी है, कोई करप्शन नहीं, और जो दिल से देश की सेवा की है, तो ये एग्जांपल हमारे सामने है। तो इनको मैंने यहाँ पर इसी मॉडल पर यहाँ पर पेस्ट किया है, इस ये समझाने के लिए कि एक्चुअलाइज ऐसे करना है, ये रोल ऑफ एजुकेशन है। कैरियर प्रेपरेशन पहले फ्यूचर की बात करके आए हैं, वही बात है। तो ये रिपीट है, इसको आप लिख भी सकते हो, दोनों में से एक चुन सकते हो, है ना, कि आपको किसी कैरियर के लिए। अब की एजुकेशन सिस्टम तो सारा कैरियर के लिए लगा है ना, टेंथ के बाद, प्लस टू के बाद, नीट का एग्जाम, इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के कैरियर लेना है, तो वो भी ठीक है, वो भी करना है, पर सिर्फ वही करना ये ठीक नहीं है। हेल्थ एजुकेशन, पिज्जा बर्गर खाना है या फिर फ्रूट खाना है सुबह उठकर, B12 की कमी, डी की, 50% से अधिक इंडियन में B12 और डी की कमी पाई जा रही है। आपके जोड़ दुख रहे हैं, आपका बॉडी सुन्न हो रही है, योगा हम नहीं करते, तो वो योगा को इंट्रोड्यूस किया गया है ना। तो ये डेफिशिएंसीज जो हैं, हेल्थ को बेटर फंक्शनेबल करके बेटर अपने लाइफ को अचीव कर सकूं, तो हेल्थ इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो उसके लिए न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डिजीज को प्रिवेंट कैसे रखना है, ये एजुकेशन हमें बताती है। हम अप्लाई कितना करते हैं ये डिफरेंट बात है। कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन, तो ये देखिए यूथ फेस्टिवल होते हैं, उसमें आपके कल्चर के जो भी आइटम है, डांस है, सॉन्ग्स हैं, उनको परफॉर्म भी किया जाता है, एनरिच भी किया जाता है। ये पॉइंट मैंने बनाया है, प्रोफेसर लखबीर सिंह को समर्पित है। वो कहते थे कि हमें अनसर्टनटीज के लिए तैयार रहना चाहिए, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पीपल, हमारे लोग तैयार हैं? तो हम कोविड के लिए कितना तैयार थे, कितनी भूकंप के लिए, इस बार इतने फ्लड्स आए उसके लिए कितने तैयार थे? तो वो तैयारी किसी पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में, इंटेलेक्चुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में होनी चाहिए, कि कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं और पॉजिटिव एक्शन लेते हो, जिसे प्रोएक्टिव कहते हैं, तो आप एजुकेटेड हो। ये रोल है एजुकेशन का। विक्टर, ही इज हु ओपन्स ए स्कूल डोर, क्लोज द प्रिजनर। इसमें कुछ नहीं है, जो बदलती परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल आप कितना जो है तैयार रहते हो। कोविड की एग्जांपल यहां पर बेस्ट है, आप दे सकते। विक्टर की ये कोटेशन जरूर दो, जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वह जेल का बंद करता है। पर्सनल ग्रोथ, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये लिखा है मैंने, एग्जिस्टेंशियलिज्म होंदवाद की आपकी यार एक पर्सनल लाइफ है, फीलिंग वाली, आप जो फील करते हो वो भी आपकी रियलिटी है। मैं एक बात अपने सभी लोगों को, अपने सभी रिश्तों को ये बोलता हूँ, या जो जैसे जीना चाहता है प्लीज उसको जीने दो, जब तक कि वो दूसरों को तंग नहीं करता, तो जीने दो यार। एक बात और, आप किसी को जीने दोगे, फ्रीडम दोगे, अंदर से फ्रीडम दोगे, तो आपको फ्रीडम मिलेगी। हम तो कोई आ रहा है, आ रहा है, उसको इतना जज करते हैं कि फ्रीडम नहीं देते हम।
तो ये एजुकेशन नहीं है, आपने फ्रीडम देनी है, फ्री फ्रीडम एंजॉय करनी है। स्किल डेवलपमेंट है, सोशलाइजेशन में भी ये रिपीट कर सकते हैं, सोशल स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स, ग्रुप एक्टिविटी, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम वर्क, ग्रुप डिस्कशन, इसमें सभी में होता है। तो बच्चे कम्युनिकेशन सीखते हैं, एम्पथी सीखते हैं, लिसनिंग सीखते हैं। हेलन केलर के वर्ड जरूर लिखिए, है ना, अलोन वी कैन डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले हम बहुत कम कर सकते हैं, साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन है। डीलिंग विद द एनवायरमेंट, ये प्योरली रिपीटेड है, जो एडजस्टेबिलिटी था, जहाँ तो एनवायरमेंट को चेंज कर दो या खुद चेंज हो जाओ, ये वही बात है। गोल ग्लोबल अवेयरनेस, यहाँ पर बच्चे आप देख रहे हैं वो ग्लोब को, ग्लोब को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, ग्लोब को देखना है कि वर्ल्ड में जो है डिफरेंट कंट्री में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और उसके अनुसार मैंने क्या क्या लर्न करना है कि अगर मुझे किसी भी कंट्री में कहीं भी रहना पड़े, कुछ काम करना पड़े, तो मैं एडजस्ट कर जाऊं। इसके लिए आपको विदेशी भाषाओं और संस्कृतियों का अध्ययन एजुकेशन करवाती है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम लगाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्टिकुलरली साइंस स्टूडेंट, तो विज्ञान के छात्रों को प्रयोग करने के लिए कहा जाता है ना, तो प्रयोग में वो सोल्यूशन ढूंढते हैं। पर ये सिर्फ प्रयोग की बात नहीं है, ये इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहते हैं। इन समरी, एजुकेशन इक्विप इंडिविजुअल विद द डाइवर्स सेट ऑफ स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव, हिंदी में पढ़ते हैं, शिक्षा व्यक्तियों को विविध प्रकार के कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करती है, ये उन्हें लचकीलेपन, रचनात्मकता, भावनात्मकता, बुद्धिमत्ता और वैश्विक मानसिकता के साथ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको सिर्फ इसको जो है कंक्लूजन में आप इसको बेशक लिख देना, काफ़ी है, ये काफ़ी है, है ना, अन्य विशेषताओं के में निपटने में सक्षम बनाता है। ये गुण के केवल व्यक्ति को अज्ञात के लिए तैयार करते हैं, बल्कि उन्हें अपने आसपास की बदलती दुनिया के लिए, ये दूसरा इम्पॉर्टेंट है, एक ये वाला और ये अपने आसपास बदलती दुनिया के लिए सकारात्मक योगदान देने के लिए, योगदान है, मैंने पीछे तैयार की बात की थी, यहाँ योगदान भी है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट शिक्षा का योगदान ह्यूमन लाइफ में क्या है। इसकी शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट जो है स्ट्रेटजी, मेमोरी ट्रिक्स हैं, 2-3 मेमोरी ट्रिक्स होंगे, नेक्स्ट वीडियो में होंगे। इसके अलावा इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें एलेबोरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपने पहली या दूसरी सेंटेंस पर फोकस करके अपने एग्जाम को दे सकते हो, पॉइंट रिपीटेड को डिलीट कर सकते हो, इजी एग्जाम्पल जो हैं, इजी कोटेशंस हैं, इजी पॉइंट्स हैं, उनको सामने रखना है, बाकी को भूल जाओ। थैंक यू।